Radikal Mante! Denken Sie sehr big Mante! Oberkammer Radikal Mante! Denken Sie sehr big Mante! DSG! Einheit! DSG! Einheit! We want justice! We want justice! We want justice! DSG! Einheit! DSG! Einheit! DSG! एक्चुअली हम लोगों की फेलोशिप रिवीजन 4 साल में होनी थी. लास्ट टाइम भी 2014 में रिवीजन हुआ था जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था. गवर्नमेंट अपनी साइड से खुद से रिवीजन नहीं करती है. हमारा जो एचआरए 20% मिलता था फेलोशिप प्लस एचआरए, तो उसको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर दिया गया, 20% से 16% कर दिया गया. ठीक है, मगर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग हमारी फेलोशिप नहीं बढ़ाई जा रही, जो 25,000 से 45,000 होनी चाहिए थी जेआरएफ के लिए और 28,000 से 56,000 होनी चाहिए थी एसआरएफ के लिए. कई बार हम लोगों ने मिनिस्ट्री में बात भी की है, डीएसटी सेक्रेटरी से भी बात हुई, सेक्रेटरी से भी बात हुई है, के विजय राघवन जी से भी बात हुई है, उसके बाद सेक्रेटरी के पीएस से भी बात हुई है, एमएचआरडी में भी बात हुई है. तो वो एक दूसरे के ऊपर टहला देते हैं कि ये डिपार्टमेंट उनका है, ये डिपार्टमेंट उनका है, और आश्वासन देते रहते हैं कि आपकी फेलोशिप हाइक हो जाएगी. मगर जैसे कि अप्रैल 2018 में रिवीजन होना चाहिए था, अभी तक कोई उसका वो नहीं आया है. और जब हमारी मीटिंग हुई थी के विजय राघवन जी से, तो उन्होंने बोला था कि आपके हंगामा करने से पहले से ये प्रोसेस में है 2017 से. मगर ऐसा कौन सी जगह अटकी हुई है और क्या है कि अभी तक हमारी फेलोशिप 2017 से अभी तक इंक्रीमेंट हो ही नहीं पाया है. लास्ट टाइम भी 2014 में जो हुआ था उसमें भी हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा था, तब जाके 16,000 से 25,000 हुआ था ऑल ओवर. इसीलिए इस बार भी हम लोग नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर आईआईटीज में, आईएससी में, रीजनल, नॉर्मल, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है. और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा फेलोशिप में हाइक नहीं हो जाता है. इससे पहले भी आपने हंगामा किया था आप लोगों ने, लेकिन उसका क्या कुछ इफेक्ट पड़ा? लास्ट टाइम जो हमने किया था 30 अक्टूबर को, उसके बाद बोला गया था कि 6 नवंबर को इंटर मिनिस्टेरियल मीटिंग है, उसके बाद कंफर्मेशन दिया जाएगा. 6 नवंबर के बाद जब इंटर मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई है, तो उसके रिप्लाई में हमने जब के विजय राघवन जी से बात की है, तो के विजय राघवन जी का रिप्लाई आया था कि हाँ, वो सक्सेसफुल हुई है मीटिंग, हर फंडिंग एजेंसी एग्रीड है इसके लिए कि हम लोगों की फेलोशिप में हाइक होना चाहिए. मगर उसके बाद से भी बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, चाहे वो डीएसटी ऑफिस की तरफ से हो, चाहे डीएसटी सेक्रेटरी की तरफ से हो, चाहे वो एनएचआरडी की तरफ से हो, मगर कोई कंफर्मेशन डेट नहीं बताई जा रही है और ना ही कंफर्मेशन बताया जा रहा है कि कितने परसेंट हाइक होगा. हम लोग कर रहे हैं, अब देखिए, अभी कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम अपना ऑल ओवर इंडिया, ये नेशन, पूरे नेशनल में अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे. अब वो तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ऑफिशियल्स को सोचना चाहिए कि हमें बात करनी चाहिए, हमें कन्फर्मेशन देनी चाहिए, कितना परसेंट बढ़ाना है, जो भी रीज़न है वो हमारे सामने रखना चाहिए. किस वजह से डिले कर रहे हैं, किस वजह से वो कर रहे हैं. इसी वजह से कई सारे बच्चे कई लैब्स में रिज़ाइन दे चुके हैं क्योंकि उनकी रेगुलर फेलोशिप नहीं आती है. हाई करना तो छोड़िए, इस एज में सबको आगे की फैमिली की और पीछे की फैमिली की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 25 से आगे जाने पर. तो बच्चे अगर ऐसे इनके साथ मतलब फेलोशिप नहीं होगा और ये नहीं होगा तो कैसे अपना गुजारा करें. कई सारे बच्चों ने, मेरे सामने की बात है, लखनऊ से कुछ लैब से बच्चों ने रिज़ाइन दे दिया है अपना और अपने और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं. कहते हैं कि अगर बीएड कर लेंगे और वो कर लेंगे तो उसमें 40,000-50,000 उसमें सैलरी मिल रही है, तो क्यों हम ये करेंगे? हाईएस्ट डिग्री ले रहे हैं, उसके बाद भी हमें 25,000 स्कॉलरशिप मिल रहा है. हमारा जो अप्रैल 2018 से था एक्टिवेट होना, तो हम वही चाहते हैं कि हमारा अप्रैल 2018 से एक्टिवेट किया जाए इंक्रीमेंट, और 80-100% जो है, जो फेलोशिप 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो ही दिया जाए और हमें कंफर्मेशन बताया जाए कब से होगा. हर बार पिछले 6 महीनों से यही हो रहा है, हम लोग लेटर लिख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर बार यही हो रहा है कि हाँ, आपको दिया जाएगा, अभी हो रहा है, प्रोसेस में है. अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते वी वांट
स्कॉलरशिप पढ़ा था वो 2014 में अक्टूबर में पढ़ा था। ये उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला, आश्वासन दिया था कि हमें कि हम हर चार साल में आपकी स्कॉलरशिप पढ़ाएंगे, लेकिन अभी चार साल हो चुके हैं ऑलरेडी और उससे भी पिछली काफ़ी टाइम से सरकार केवल आश्वासन दे रही है थ्रू ट्विटर की आपकी स्कॉलरशिप बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बढ़ाया जा रहा। तो लेकिन आप लोग अभी तक भूखे प्यासे यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई मतलब ऑफिस से बाहर नहीं आ रहे हैं या फिर आपसे बात करने को कोई तैयार नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 500 स्कॉलर बैठे हैं और उसमें से अभी तक सभी हंगर स्ट्राइक पे हैं, सुबह से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया है और अभी तक कोई भी ऑफिसर अंदर से बाहर हमारी बात सुनने के लिए तक नहीं आ रहे। तो हम देखिए कैसे गवर्नमेंट हमें इग्नोर कर रही है इस बात। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमसे बात करे कि वो उसकी डेट बताए कि कब स्कॉलरशिप बढ़ाई जाएगी। तो हम ये चाहते हैं सरकार हमारी बात सुने। बीटेक करते हैं, पास करते हैं, उसके बाद पीएचडी में आते हैं। पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं उनकी एज को 21 साल या 20 साल नहीं होती, वो उस स्टेज में आते हैं जिसमें उनको फैमिलीज होते हैं, सब होता है, फैमिली चलाना होता है, जिसके चलते हमें स्कॉलरशिप की जरूरत पड़ती है। और ये जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरी अपडेट होते हैं, हमारी स्कॉलरशिप भी अपडेट होने चाहिए। सर, इस स्ट्राइक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्राइक के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि 2014 में फेलोशिप बढ़ाई थी उन्होंने, 16 चीज़ें की थी, उस टाइम भी हमने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन अब भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम 25,000 से 80-100% फेलोशिप इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक DST वाले हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। वी आर ऑल्सो ए वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ द स्ट्रगल एंड वी विश दैट आवर लेजिटिमेट डिमांड्स आर ऑल्सो मेट। We also have to look after our families, and our contemporaries in the industry are earning more than a lakh, and we have no other option because we have dedicated our life for this. Had we chosen a different path, would have earned much more. But then we also think that we are critical. We are supposed to play a significant part in the country's growth and helping youngsters, because the youngsters look after us, what these people are doing. So we are a source of motivation for these people also, like Jawahar and all other people. So we think that we are in the same boat, and justice needs to be done with respect to all of these people, and given a commensurate remuneration, not just on a long short term strategy, but a long term vision. It's just not necessarily, we are not only fighting for hike in fellowship, we are also looking at trying to sensitize the government to look at long term policy of the government. What are the policies that the government needs to take into consideration? What is the vision when these PhD students get into? What is the career path? Where they are heading to? Because the government also spends a lot of money in supporting these people. It's not that the government is not funding. They are funding a lot of money and they are preparing the students to become future scientists. But if there are no avenues for these people to be, contributing to the country's growth, who is at loss? The country's resources are at loss, right? So this is also a factor that needs to be looked into. और हमारे साथ जितने भी हमारे साथी आए हैं, हर कोई ऐसा तो नहीं है, स्ट्रगल हर किसी ने किया है, और वही स्ट्रगल अगर आप दूसरे एरिया में करो तो ये मोटिवेशन की भी बात आती है ना, क्योंकि हर कोई इंसान अपने फैमिली को भी देखना होता है उनको, और ऐसा नहीं है कि हम लोग अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से हैं, जनरली हम मिडिल क्लास से हैं, तो हमारी जो लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट्स हैं एटलीस्ट वो तो देखा जाए, इफ नॉट लग्जरी बट डेफिनेटली लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट्स। तो मुझे लगता है रिसर्च एसोसिएट जो भी है उनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी है, सिर्फ रिसर्च करने का नहीं, पूरी फैमिली नीचे के जो नए बडिंग साइंटिस्ट हैं, जो JRF हैं, उनको तैयार करने में, उनको मोटिवेट करने में, और एट द सेम टाइम लैब को कंसिस्टेंटली चलाने में और सबके साथ आगे बढ़ने में। मुझे लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी डिग्री है जो इन्होंने अचीव कर ली है, उसके बाद भी इतनी प्रॉब्लम जो इन्होंने बताई, ये इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद है, अब आप सोचिए फिर हम कहाँ जाएं। फेलोशिप कहाँ गया? BSc कहाँ गया? फेलोशिप कहाँ गया? BSc कहाँ गया? फेलोशिप कहाँ गया? BSc कहाँ गया? DST हाय हाय, DST हाय हाय, DST हाय हाय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी।